नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विवेक और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा घुटनों के दर्द के कारण क्या आहार विहार यानी क्या हमें डाइट में चेंजेस करने चाहिए जो हमें हेल्प करेंगे इन घुटनों के दर्द में, और कुछ हर्ब्स के नाम बताऊंगा जो आपको हेल्प कर सकती है इन घुटनों के दर्द को कम करने में। सबसे पहले समझिए कि घुटनों का या जो जोड़ों में आपको दर्द हो रहा है, जो स्वेलिंग आ जा रही है यानी कि जो सूजन है, उसका कारण क्या है। अगर मैं आपको कह दूं जी ये तेल बनाइए घर पर और जादू हो जाएगा, लगाइए सब साफ हो जाएगा, ये तेल खरीद लीजिए इससे जादू हो जाएगा, तो ये सच्चाई नहीं है, ये झूठ बोलने वाली बात है। तो जो घुटनों का या फिर जो हमारी बॉडी में जो जॉइंट्स हैं उनका दर्द होता क्यों है, देखिए मेन इसके तीन कारण हैं। पहला कारण है ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि जो उम्र के साथ जो हमारे जॉइंट्स में वेयर एंड टेयर होते हैं, मतलब कि जो उसमें टूट फूट हुई या फिर जो खिंचाव तनाव हुआ, चोट लग गई, इस कारण जो भी उस जॉइंट में नुकसान हुआ, या फिर आपका जो साइनोवियल फ्लूड है, साइनोवियल फ्लूड क्या होता है ये आप समझ लीजिए कि दो हड्डियों के बीच का ग्रीस है, तेल है। अगर दो हड्डियों के बीच में ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये हड्डियाँ ऐसे चिपक जाएंगी। अब ये ऐसे ऐसे जब हम चलेंगे या इसका इस्तेमाल करेंगे क्या होगा, घर्षण होगा, यानी कि घिसेंगी एक दूसरे से, दर्द होगा, जॉइंट कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए प्रकृति ने क्या किया है कि इसके बीच में डाल दिया है एक जेली या कह लीजिए फ्लूड, जिसको कहते हैं साइनोवियल फ्लूड। ये एक ग्रीस की तरह वर्क करता है और हड्डियाँ एक दूसरे से लड़ती नहीं हैं, इस कारण जोड़ आराम से और बिना दर्द के, बिना किसी परेशानी के लिए लंबे समय तक हम इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन समय के साथ हमारे खान पान की वजह से भी, दिनचर्या की वजह से भी ये फ्लूड धीरे धीरे कम होने लगता है और घर्षण बढ़ने लगता है, सूजन आ जाती है, सारी परेशानियां हो जाती हैं। ये है ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसके कारण होता है दर्द, जैसे बुढ़ापे में लोगों को दर्द होता है। दूसरा कारण होता है रिमेटॉइड आर्थराइटिस, RA कहा जाता है, आयुर्वेद में उसको आमवाद भी कहा जाता है। ये क्यों होता है, अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स हैं, आपकी बॉडी में आम है बहुत ज़्यादा, इसके कारण आपकी वात में प्रॉब्लम हो गई है, इसको कहते हैं आम वात, ये है आयुर्वेद के अनुसार। मॉडर्न मेडिसिन क्या कहती है कि अगर आपकी बॉडी में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, यानी कि आपकी इम्यूनिटी, सब कहते हैं ना कि इम्यूनिटी बढ़ाओ, तो इस इम्यूनिटी में प्रॉब्लम हो गई और ये आपके जोड़ों को समझ रही है अपना दुश्मन, और आपकी इम्यूनिटी आपके जोड़ों पर ही हमला कर रही है, इससे क्या होता है कि जो जोड़ हैं वो सूज जाते हैं, वहाँ पर गर्मी होती है, चलने फिरने में दर्द होता है, पूरे शरीर में दर्द होने लगता है, आदमी एकदम पड़ा रहता है, ये होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। इसके टेस्ट कराए जाते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन देखा जाता है, RH फैक्टर टेस्ट किए जाते हैं, ये सब आपके ब्लड एनालिसिस होते हैं, यानी कि खून की जांच होती हैं जो आपको डॉक्टर लिख के देगा, ये आप कराएंगे, इससे क्लियर हो जाएगा कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है या ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, वैसे तो सिम्टम से ही पता चल जाता है। तीसरी चीज़ होती है गाउट यानि गठिया, ये होता है जब आपकी बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ गया है। ये मैक्सिमम देखा गया है कि जो मीट ज़्यादा खाते हैं लोग, उन लोगों में इसके बढ़ने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, या फिर जो प्रोटीन रिच फूड खा रहे हैं, चाहे मीट हो चाहे वो दालें हो, इनका जो बहुत ज़्यादा सेवन करता है और लाइफस्टाइल डिस्टर्ब्ड है, उन लोगों में चांसेस ज़्यादा होते हैं गाउट होने के, यानी के गठिया होने के। इसको गठिया में क्या होता है, गठिया में आपकी छोटी छोटी गांठें बनने लगती हैं जॉइंट्स में, हाथ में यहाँ पर उंगलियों में छोटी छोटी गांठें बन जाएंगी, पैर के आपका जो अंगूठा है वहाँ से अक्सर ये शुरू होता है, वहाँ पर हो जाएगा। तो ये तीसरी चीज़ है, तो पहले आपको ये जानना है कि भाई जो दर्द हो रहा है वो हो क्यों रहा है। गाउट का जो टेस्ट होता है वो आप यूरिक एसिड टेस्ट कराते हैं, उससे क्लियर हो जाता है कि भाई गाउट है या क्या परेशानी है। तो अब आपको समझ में आ गया कि तीन कारणों से हमारी बॉडी में दर्द होता है। अब बात करते हैं चिकित्सा की, यानी कि ट्रीटमेंट की। इस वीडियो में मैं आपको एक जनरल ट्रीटमेंट बताता हूँ, तीनों का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, एक जनरल जो सबके लिए हेल्पफुल होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, वातज आहार आपको नहीं खाना है, यानी कि वाता डाइट आपको फॉलो करनी है। इस डाइट में क्या है कि कच्ची सब्जियां आपको नहीं खानी है, सब पका हुआ उबला हुआ ऐसी चीजें आपको खानी है। अब अगर हम डाइट की बात करें तो ये ना तीनों में डिफरेंट होगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस में दूसरा होगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पेशेंट के हिसाब से आयुर्वेद आपको डाइट बताएगा, गाउट में अलग आपको डाइट बताई जाएगी। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है कि एक डाइट
सबको सही कर देगी। लोग कहते हैं जी हाँ कीटो डाइट कर लो इससे अच्छा हो जाएगा, ये वाली डाइट कर लीजिए मेडिटेरियन डाइट इससे आपको हेल्प मिल जाएगी, या कोई कहता है कि आप पूरा वेगन हो जाइए यानी कि आप सिर्फ कच्ची फल सब्जियां खाइए इससे आपको हेल्प मिलेगी। जी हाँ हेल्प मिलेगी लेकिन सबको नहीं मिलेगी। आयुर्वेद कहता है कि आपको आपकी प्रकृति के अनुसार आपको खाना खाना चाहिए और आप में क्या दोषों का डिसबैलेंस हुआ है उसको देखकर आपकी डाइट सजेस्ट की जाती है। कई लोगों को मैंने देखा है सिर्फ कच्ची फल सब्जियां खाने लगे उससे परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन कई लोग कच्ची फल सब्जियां खाते हैं, वेगन डाइट फॉलो करते हैं उससे हेल्प मिलती है, कुछ लोग कीटो डाइट में जाते हैं उनको वहाँ हेल्प मिलती है। तो आयुर्वेद भी यही कहता है एक डाइट सिंपल नहीं है जो सबको हेल्प करेगी, इसलिए आप एक अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको डाइट बताएगा कि कौन सी डाइट आपके लिए बेटर रहेगी। सिंपल डाइट होती है आयुर्वेद में, वातज पित्तज कफज कोई एक डाइट आपको बताएगा, वो फॉलो करिए और आप देखेंगे सिर्फ डाइट फॉलो करने से आपका 50% दर्द और या परेशानी कम हो जाएगी सिर्फ डाइट फॉलो करने से। अब बात करते हैं कुछ हर्ब्स की यानी आयुर्वेदिक दवाइयों की जो इन तीनों में हेल्प कर सकती है। सबसे पहली दवाई जो आपको हेल्प करेगी वो है विटामिन D3। आसपास के आपके मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगी, 60,000 इंटरनेशनल यूनिट वाली खरीद के लाइए और मिनिमम हफ्ते में एक गोली तो आपको खानी ही खानी है। इसको खाना होता है सुबह खाने के बाद या खाते समय, खाली पेट इसको नहीं खाते हैं, चाय के साथ नहीं खाना है इसको, खाना जब आपने खाया उसके बाद खानी, या तो सुबह खा लीजिए या फिर दिन में खा लीजिए, हफ्ते में सिर्फ एक बार खानी है और जीवन भर आप इसको खाएंगे। अगर आप सुबह धूप में जाते हैं, जो सुबह की अच्छी धूप आती है उसमें जाते हैं और आपके हाथ पैर खुले हैं, आपको धूप मिलती है, चेहरा खुला है, तो इससे भी आपको विटामिन D3 मिलेगा। लेकिन आप टेस्ट ज़रूर कराइए, अगर आप विटामिन D3 ऐसे जो गोली में मैंने आपको बताया उसमें नहीं खा रहे हैं तो आप ज़रूर टेस्ट कराइए, देखिए कितना है। अगर 80 से कम आता है विटामिन D3 तो आपको गोली लेने की ज़रूरत है या फिर आप सन में और ज़्यादा जाइए यानी धूप में और ज़्यादा जाइए। तो चूज़ करिए क्या है। मैंने अक्सर देखा है कि विटामिन D3 जब आपका 80 90 इतना होता है तो आपको बहुत अच्छा आराम मिलता है। तो 40 अगर हो तो ये मत समझ लेना कि आप बढ़िया है, 50 में भी 80 आपका होना चाहिए विटामिन D3 लेवल अगर आप टेस्ट कराएंगे तो। या फिर सीधे हफ्ते में एक गोली बांध लीजिए कि संडे टू संडे आपने एक गोली खानी है विटामिन D3 की, ये आपको हेल्प करेगा। दूसरी जो चीज़ आपको हेल्प करेगी वो है मोरिंगा। मोरिंगा सहजन भी कहा जाता है, बहुत उगता है हर जगह, मार्केट में इसका पाउडर भी मिलता है, पाउडर ही इस्तेमाल करना है, खाने में टेस्टी नहीं है लेकिन इफ़ेक्ट बहुत ही बढ़िया है। तो सहजन का हमने चूर्ण खाना ही खाना है, मोरिंगा पाउडर खाना है। कितने टाइम खाना है, 6 महीने तक इसको खाना है, असर आपको 3 से 4 दिन में आने लगेगा इसको खाने का। खाना कैसे है, अगर आप पहली बार खा रहे हैं तो आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम खाने के बाद खाना है। एक गिलास छाछ में मिक्स कर सकते हैं या दही में मिक्स कर सकते हैं या फिर आप इसको पानी में मिक्स कर सकते हैं या नींबू पानी में मिक्स कर सकते हैं या फिर 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर उसको आपने 1 गिलास पानी में मिक्स कर दिया और उसमें आपने ये मोरिंगा पाउडर भी मिक्स कर लिया। जो आपको पसंद है उस हिसाब से आप इसका सेवन करिए, लेकिन सहजन आप यूज़ करिए, मोरिंगा आप यूज़ करिए, बहुत ही बढ़िया इसके रिजल्ट्स हैं, आपका इन्फ्लेमेशन दर्द को कम कर देगा, 2 से 3 दिन में आपको रिजल्ट आ जाएंगे। आधा चम्मच सुबह शाम आपको खाना है एक हफ्ते तक, एक हफ्ते बाद आपको 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को खाना शुरू करना है। 15-20 दिन बाद जब आपकी बॉडी कंफर्टेबल है 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम से तो आपको शुरू करना है 1 चम्मच पूरा एक पहाड़ बना के सुबह और शाम ऐसे खाना आपको शुरू करना है। 6 महीने तक आपको खाना ही खाना है, इससे आप देखेंगे एनर्जी आएगी, चलने फिरने में आराम हो जाएगा। तीसरी मेरी रिकमेंडेशन है वो है लिवर के लिए और ये है भूमि आंवला। बहुत ही बढ़िया हर्ब है, लेनी होती है 1 ग्राम यानी आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम, 3 महीने तक आपको इसको लेना है। लिवर आपका हेल्थी कर देगी, डाइजेशन बहुत बढ़िया कर देगी, गैस ब्लोटिंग जो भी ये परेशानी होती है, जी मचलाना, ऊपर को तेजाब सा आना, इन सब में आपको हेल्प करेगा भूमि आंवले की। आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम खाने से आधा घंटा पहले आपको ले लेना है। पानी में मिक्स करके ले सकते हैं, शहद के साथ मिक्स करके भी ले सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल है आप वैसे खाइए।
अगर खाली पेट दिक्कत होती है तो आप इसको खाने के बाद खा सकते हैं, मोरिंगा और ये आप एक साथ भी ले सकते हैं, बेटर होगा खाने से पहले आप इसको ट्राई करिए। ये जो मैंने आपको रिकमेंडेशन दी है ये आप कर लीजिए, ये आपको गाउट में, ऑस्टियोआर्थराइटिस में और रिमेटॉइड आर्थराइटिस में किसी भी प्रकार की परेशानियों उसमें हेल्प करेगा ही करेगा। आप काले तिल के तेल से मालिश कर सकते हैं या फिर सरसों के तेल में कुछ लहसुन डाल के इसको उबाल के उससे आप मालिश कर सकते हैं, या फिर आयुर्वेद में आता है कर्पूर आदि तेल, ये कपूर से बना हुआ तेल है, तिल के तेल में कर्पूर को मिक्स करके फिर बनाया जाता है, और भी औषधियाँ डाली जाती है, ये भी पेन को कम करने में हेल्प करता है। लेकिन जब तक आपका खान पान सही नहीं होगा, टाइम से आप खाना शुरू नहीं करोगे, तब तक आराम नहीं मिलने वाला है। टाइम से खाने से क्या मतलब है, आपको 10 से 11 बजे के बीच में अपना लंच कर लेना है, ब्रेकफास्ट नहीं भी करेंगे चलेगा, और शाम को आपको 6 से 7 बजे के बीच में खाना खा लेना है, यानी डिनर कर लेना है, इसके बाद सिर्फ पानी पीना है और कुछ नहीं करना है। ये चीज़ अगर आपने कर ली, यानी कि टाइम से खाना और ये हर्ब्स जो मैंने बताई हैं इनका इस्तेमाल करना है, ये आपने कर लिया, आप देखोगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे जॉइंट पेन में। बस आपको इसको करना है टेस्टी, और सिर्फ अपने जो है आराम के अनुसार चीज़ें मत ढूंढिए, थोड़ा सा कोशिश करिए और आप देखेंगे कि 4 से 5 दिन में आपको आराम मिल जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, कुछ नया, कुछ अच्छी चीज़ें आपको जानने को मिली होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।